गली में जाने के लिए भी आपको सिग्नल फॉलो करना पड़ेगा। सांस। मैं तो वीडियोग्राफी बंद करो। हमने कि चेहरा तो नहीं दिखा रहा, बाकी चीजें देखनी है तो देख लो। सागर किनारे दिल ये पुकारे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक नए दिन में और प्राग सीरीज के एक नए वीडियो में। हमने अभी जस्ट हमारा होटल छोड़ा है एंड हम जा रहे हैं हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है प्राग कासल। हम जाते हैं हमारी डेस्टिनेशन पे, तब तक आप देखिए हमारा ब्रेकफास्ट एक्सपीरियंस आज सुबह का। बहुत ही मज़ेदार नींद के सेशन के बाद हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट हमारा इंक्लूडेड है। राउंड वन ऑफ ब्रेकफास्ट के लिए मैंने लिया है 2 स्लाइस ब्रेड के, 2 एग्स, थोड़ा सा सैलेड, पोटैटो, चिकन, चीज़, और ये मैंने अपने लिए बनाई है ज़बरदस्त कॉफ़ी। अमिता, व्हाट्स इन योर प्लेट? ब्रेड टोस्ट विद बटर एंड चीज, सैलेड, एंड दिस इज सम काइंड ऑफ पेस्ट्री, पोटैटोस, सम मोर सैलेड एंड कॉफी। कॉफी, ओके, गुड, एंजॉय अमिता। ये जो आलू की प्रिपरेशन है ना यहाँ पर, ये सीरियसली बहुत ज़्यादा एकदम जैसे हम घर में बनाते हैं, तो ये आलू प्याज और गाजर की ऑलमोस्ट सब्जी जैसा ही टेस्ट कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा सही है। सो अभी हम एकदम सामने खड़े हैं द नैरोएस्ट स्ट्रीट ऑफ प्राग के। ये हमें रिकमेंड किया है मोनिका और अर्नी ने। अब वो दोनों से हम आपको मिलाएंगे आने वाले वीडियोस में, काफ़ी एक्साइटिंग। बट यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग बात देख रहे हैं, ये यहाँ पे सिग्नल लगा है, ये एक गली है, एक बहुत ही नैरो स्ट्रीट, यहाँ पे सिग्नल है तो अब हम जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रीन है। तो एक गली में जाने के लिए भी आपको सिग्नल फॉलो करना पड़ेगा। हाँ अमिता, आराम से। The narrowest street. मैं तो फिट हो सकती हूँ, आप फिट हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे ये आप देख लेना। अरे मैं तो वैसे ही बहुत फैट टू फिट हूँ। फिट टू फैट? नहीं नहीं भाई, ओके कूल, बड़े काफी नैरो है एक्चुअली। अगर आपको ऊपर जाना है तो यू अगेन नीड टू फॉलो द सिग्नल। आजा हूँ, आजा आजा। I'm trying to push it to make it wider. फिट नहीं हो रही ना तू, आजा। हम अभी अभी प्राग कासल पहुंचे और एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है कि प्राग कासल बंद है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे प्राग कासल देखने के लिए। 15 यूरो पर पर्सन का यहाँ का टिकट था, तो हमने सोचा था कि अंदर जाएंगे, पूरी हिस्ट्री समझेंगे, पूरा कासल अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, आप सभी को दिखाएंगे, और अलॉन्ग विद दैट जो आसपास के उसके थोड़े चर्च थे वो भी देखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो अब क्लोज है, तो हमें हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना होगा एंड आई होप कि वो ओपन हो और हम उसको अच्छे से देख पाए। नदिया किनारे अम्मू, यहाँ पर आके तुम्हें कौन सा गाना याद आ रहा है? सागर किनारे दिल ये पुकारे। पीछे जो है ये चार्ल्स ब्रिज है, कल हम यहीं पर थे, जो हमने कल रील बनाई है वो इसी पे थी। जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है पेट्रिन टावर, और उसका जो रास्ता है, अमिता तुम बताना चाहोगी? पेट्रिन टावर, एक्चुअली अगर आपको दिख रहा हो, अगर आप देख पा रहे, बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, मतलब चढ़ाई है लेकिन बहुत ज़्यादा स्टीप है, और हम बहुत पीछे से आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.25 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, और अभी 400 मीटर बचा है और आगे का रास्ता भी कुछ आसान नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक या तो हमें इधर जाना है और या इधर जाना है, बट आइधर विच वेज अभी जो चढ़ाई है वो कंटिन्यू रहेगी पेट्रिन टावर की। हाँ अम्मू, वहीं से लोग आ रहे हैं। ओके लेट्स गो। हाँ अम्मू, आ जा भाई। तो वीडियोग्राफी बंद करो। ये पेट्रिन टावर की चढ़ाई करते हुए अमिता जी आ गई। अम्मू यार हाई फाइव, यू मेड इट, कम ऑन, हाई फाइव, यस, फाइनली। बहुत सारा चलने और चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं पेट्रिन टावर, और ये जो इसकी शेप है ये बहुत ज्यादा आपको आईफिल टावर जो पेरिस में है उसकी याद दिलाएगा। पेट्रिन लुकआउट टावर है, उसके टिकट्स ले लिए, स्टेयर्स की हमने टिकट लिए, टिकट पड़ी है हमको 300 लोकल करेंसी, चेक करेंसी में दो लोगों की। अगर आप लिफ्ट लेते हैं तो आपको 150 क्रोनर चेक क्रोनर पर पर्सन सरचार्ज देना पड़ता है। सो बेसिकली अगर आप एलिवेटर लेंगे तो आपको
दो लोगों का 600 लोकल करेंसी पड़ेगा, स्टेयर्स में 300 लोकल करेंसी पड़ेगा। चले अमिता? यस। थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऑन द पेट्रन लुकआउट टावर, दिस इज द व्यू ऑफ द प्राग सिटी। वाओ, दिस इज मेस्मराइजिंग। वो एकदम टॉप है, तो अभी थोड़ी सीढ़ियां और चढ़नी बाकी है, बट ये थोड़ा ऐसा बीच में एक इन्होंने पोडियम सा बना रखा है। We have reached on the top of the Petrine Lookout Tower. यहाँ से जो व्यू है ना वो नीचे से भी बेटर है और हवा इतनी ज्यादा ठंडी। वाओ, यहाँ से तो व्यू मतलब बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और ये फुल ऑरेंज वाले घर, दिस इज द कैसल राइट अमिता? Yes. और या शायद ये या फिर ये चार्ल्स ब्रिज है, दोनों में से एक। अब हम आए हैं लेनन वॉल पे। नवंबर 2019 में 2.5 years अगो इसको मेमोरियल भी घोषित किया गया था। लेट्स चेक आउट द हिस्ट्री। आप पॉज करके हिस्ट्री पढ़ सकते हैं इसकी। देर आर अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल मैसेजेस एंड पोएम्स जो यहाँ पे लोगों ने लगा रखी है। One of them really caught my attention is this one. आप चाहे तो इसको pause करके पढ़ सकते हैं। Guys, ये देखिए, ये कैंपा करके एक एरिया है यहाँ पे, वहाँ पे ये मॉडर्न आर्ट के नाम पे इन्होंने 3 बच्चों को बिठा रखा है और 2 तो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये वाला तो इनको देख भी नहीं रहा है, ये वाला तो अपना उनने की चेहरा तो नहीं दिखा रहा, बाकी चीज़ें देखनी है तो देख लो। पर पता नहीं भाई, किसी को समझे ये आर्ट तो मुझे भी समझा देना प्लीज़। कैंपा आइलैंड पे हमें ये खरगोश का बड़ा भाई मिला। अमिता, क्या नाम होता है इसका? आई थिंक दीज आर कॉल्ड बीवर्स। ये खा तो गाजर या ककड़ी वैसा ही कुछ रहे। काफ़ी सारा चल लिए थे तो थोड़ा चिल मारने के लिए कैंपा आइलैंड पर आकर बैठे हैं और यहाँ से तो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। मुझे पता है कि मैं हर नज़ारे को अमेजिंग बोल रहा हूँ, बट क्या करूँ, अब अच्छा है तो है, दिखाता हूँ आपको, देखो नज़ारे। देखो, कलाकारों की कमी किसी भी देश में नहीं होती। ये देखो, यहाँ की एक लिफ्ट है, ओह क्या आर्ट कर रखी है, जैसे अपने यहाँ पे वॉशरूम में लौंडे लोग नहीं लिख जाते आई लव फलाना आई लव डिमाका, ये देखो क्या हालत कर रखी है। डिनर के लिए हम आए हैं 5 Rivers इंडियन किचन एंड बार में। नाम चेक कर रहा था कि सही से बोल रहा हूँ। काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। सजावट कर रखी है एकदम ना, एकदम पुराने पुराने बॉलीवुड के गाने का धीरे धीरे वो लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बज रहा है, मजेदार। आज मैंगो लस्सी कैसे ट्राई कर लिया मुंह तूने? यार गर्मी हो रही है तो थोड़ा सा सोचा व्हाई नॉट। ये यार मैंगो की कोई भी ड्रिंक हो इतना अमेजिंग। और क्या आपने ये पनीर लबाबदार नहीं नॉर्मल रोटी और नान और अब चैन कुली की मैन कुली मांगो? It's yummy. I think this is too good. Okay, cool. Chal, enjoy. Yes. मस्त एकदम इंडियन डिनर करके हो चुकी है होटल में वापसी। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। कल हम एक्चुअली प्राग से बाहर जा रहे हैं एक दूसरी सिटी एक्सप्लोर करने, तो रोड ट्रिप है छोटी सी, तो मजा आएगा एंड कुछ खास लोगों से मिलने का मौका मिलेगा कल के व्लॉग में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दबा दीजिए और हमारी जर्नी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय।